इस वीडियो में देखेंगे IEEE स्टैंडर्ड 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसको अगर बाइनरी में दिया हुआ है तो डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एग्जांपल के साथ। पहले देखते हैं कि IEEE स्टैंडर्ड 754 फ्लोटिंग पॉइंट होता क्या है। IEEE स्टैंडर्ड 754 मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर के लिए कंप्यूटर पर। तो उसको रिप्रेजेंट दो तरीका से हम लोग करते हैं। पहला है 32 बिट सिंगल प्रिसीजन, दूसरा है 64 बिट डबल प्रिसीजन, जो कि मोस्ट यूज होता है 32 बिट सिंगल प्रिसीजन। 32 बिट सिंगल प्रिसीजन में क्या होता है, इसमें एक होता है साइन बिट, पहला जो बाइनरी होगा, 8 बिट होता है एक्सपोनेंट के लिए और 23 बिट होता है फ्रैक्शन के लिए, ये सब बीट में दिया हुआ। उसी तरह होता है, अब देखेंगे 64 बिट का होगा डबल प्रिसीजन, तो इसमें कितना होता है, साइन बिट होता है 1 बिट और एक्सपोनेंट होता है 11 बिट का और फ्रैक्शन होता है 52 बिट का, ये होता है डबल प्रिसीजन में। अब देखेंगे कि अगर एग्जांपल दिया हुआ है IEEE स्टैंडर्ड 754 को फ्लोटिंग पॉइंट अगर दिया हुआ है बाइनरी में, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, टू फाइंड द वैल्यू इन डेसिमल ऑफ द IEEE 754 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, जो कि पैटर्न बाइनरी का दिया हुआ है, इसको हमको डेसिमल में फाइंड करना है जैसे पीछे भी बताए थे। इसको फाइंड करेंगे, उसके लिए साइन बिट देख लेते हैं। ये साइन बिट यहाँ पे दिया हुआ है 0, साइन 0 है, यानी कि मेरा जो होगा डेसिमल वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक्सपोनेंट देखते हैं, 8 डिजिट जो मेरा होता है एक्सपोनेंट होता है, तो एक्सपोनेंट भी लिख लेते हैं, एक्सपोनेंट मेरा क्या है, ये है 1 एक्सपोनेंट, ये है बाइनरी में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया मेरा डेसिमल में, ये मेरा निकल गया एक्सपोनेंट। अब देखते हैं फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन पहले लिख लेते हैं। फ्रैक्शन लिखने के लिए एम्प्लिसिट 1 आता है, एम्प्लिसिट 1 पॉइंट, बाकी जो बचा हुआ है वो लिख देंगे। अब इसको लिखने के बाद इसको बाइनरी में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 प्लस, माइनस में है पॉइंट की उस साइड माइनस में है, तो क्या होगा 2 टू द पावर -1, और बाकी तो कहीं एक नहीं है जो लेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जिसका कि एक्सपोनेंट होगा 126। इसमें से एक्सेस या बायस जो होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि 127 जो ना बायस है, उसको जो एक्सपोनेंट है डेसिमल में जो है उसमें से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको कन्वर्ट करेंगे 2 टू द पावर -1 है, 0.5 हो जाएगा, इनटू इसको मल्टी माइनस करेंगे तो -1, ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 तो हो जाएगा 0.75, ये मेरा हो गया